सो नाउ हियर वी हैव थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्या कह रहा है कि अ 6 ओम रेजिस्टेंस वायर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 6 ओम्स, इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग. उसका जितना भी लेंथ है उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करके क्या कर दिया, डबल अप कर दिया. समझ में आया ना? तो ये अगर लेंथ है तो इसमें ही उसको फोल्ड कर दिया, ये पूरा लेंथ था तो ऐसा उसको फोल्ड कर दिया, ये ऐसा लेंथ उसको हमने ऐसा फोल्ड अप कर दिया, तो ये डबल अप कर दिया. तो इट इज डबल अप बाय फोल्डिंग. कैलकुलेट द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. अब जो नया रेजिस्टेंस है वायर का वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं क्वेश्चन को. अब मान लेते हैं कि ये वायर है, इसका नाम मैं मान लेता हूं ये वायर एक्स है. कौन है ये वायर एक्स जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम्स है. ये वायर एक्स है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम्स है. इसका जो एरिया है ना, एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ए मान लेता हूं. ठीक है, और जो इसका लेंथ है, लेंथ को मैं एल मान लेता हूं. इस वायर का जो लेंथ है उसको मैं एल मान लेता हूं. तो ये फॉर वायर एक्स हो गया. अब क्या हो गया, इसी को मैंने डबल कर दिया हूं. ये हाफ में से इधर से इसको ऐसा फोल्ड कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेवलप हो गया. इसको नाम मैं दे देता हूं वायर वाई. क्या नाम दे दिया इसको, वायर वाई. अब मुझे ये बताओ कि ये ऐसा था, ठीक है, ये डेवलप कर दिया फोल्डिंग से, तो ये तो वायर एक्स था. इसका एरिया क्या है, हमने ए लिया है. तो जब ये डेवलप हो जाएगा तो इसका एरिया अब क्या हो जाएगा, एरिया ए और ये प्लस एरिया ए कितना हो जाएगा, ट्वाइस एरिया ए. बराबर है कि नहीं? तो इसका जो एरिया है वो 2a हो जाएगा. अब लेंथ को क्या हो गया, इसकी लंबाई को क्या हो गया, लेंथ को, लेंथ पहले ये l था, अब ऐसा डबल अप कर दिया तो अरे पहले का आधा हो गया कि नहीं हो गया. तो लेंथ जो पहले था उसका हाफ हो गया. तो लेंथ पहले क्या था, l था. तो अब इधर लेंथ क्या हो गया, इधर का लेंथ l बाय 2 हो गया. समझ में आया कि नहीं? अब इसका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े, रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इनटू लेंथ अपॉन एरिया, यही होता है ना. अरे सेम वायर है, वायर जो है वो सेम है, इसी वायर को बाद में फोल्ड करके डेवलप किया गया, तो मटेरियल सेम है. मटेरियल सेम है तो रो क्या होगा, सेम होगा. रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा. ठीक है, मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा. तो यहां पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, रो वो चेंज होने वाला नहीं है, सेम मटेरियल है, इनटू लेंथ ऑफ वायर एक्स अपॉन एरिया ऑफ वायर एक्स. बराबर है. और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, किसके लिए, वायर वाई के लिए. तो आर ऑफ वाई, रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई विल बी रो, मटेरियल सेम है तो रो का रो होने वाले, इनटू लेंथ ऑफ वाई, लेंथ ऑफ वायर वाई अपॉन एरिया ऑफ वायर वाई अपॉन एरिया ऑफ वायर वाई. हमें क्या फाइंड करना है, नया वाला रेजिस्टेंस. तो क्या करेंगे, दोनों का रेशियो लेंगे. क्या लेंगे, दोनों का रेशियो. तो सॉल्यूशन में आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू, आर ऑफ वाई क्या है, रो इनटू लेंथ ऑफ वाई अपॉन एरिया ऑफ वाई. आर ऑफ एक्स ये क्या हो गया, डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड. तो डिवाइड किया तो आर ऑफ एक्स क्या हो गया, रो इनटू लेंथ ऑफ एक्स अपॉन एरिया ऑफ एक्स. Therefore, r of y upon r of x is equal to, तो rho into length of y upon area of y, ये divide का multiply कर दो, तो multiply करेंगे तो denominator ऊपर और numerator नीचे, तो ये हो जाएगा a of x upon rho into l of x. अब देखो क्या क्या cancel, ये rho और rho cancel, same है. Therefore, r of y upon r of x is equal to, ये लेंथ ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ वाई अपॉन लेंथ ऑफ एक्स साथ में ले लो लेंथ को, इनटू एरिया ऑफ एक्स, एरिया ऑफ एक्स अपॉन एरिया ऑफ वाई, और एरिया को साथ में ले लो. तो लेंथ को साथ में ले लिया, एरिया को साथ में ले लिया. अब ये सम कैसा हो जाएगा, आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ वाई क्या है, वट इज लेंथ ऑफ वाई, तो लेंथ ऑफ वाई जो है वो एल बाई टू है.
और लेंथ ऑफ एक्स क्या है, एक्स का लेंथ क्या है, एल है, तो इधर जो होगा ये एल बाय टू, समझ में आ रहा है, एल बाय टू ऐसा लिखा, ऐसा लिख लेता हूँ, लेंथ बाय टू अपॉन इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ एल है, ये एल आ गया, इनटू इसका एरिया क्या है, किसका, एक्स का, एक्स का एरिया क्या है, ए, तो इधर ए आ जाएगा, और ए वाई, एरिया ऑफ वाई, वाई का एरिया क्या है, टू ए, तो इधर टू ए आ जाएगा, ठीक है। तो आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये टू को नीचे ले लो, तो लेंथ अपॉन टू लेंथ इन टू एरिया अपॉन टू एरिया, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये लेंथ लेंथ कैंसिल, ये एरिया एरिया कैंसिल, लेंथ लेंथ कैंसिल, एरिया एरिया कैंसिल, तो ये आर ऑफ वाई अपॉन आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इधर वन और वन बचा, वन इंटू वन, वन और टू टू जा फोर, तो ये वन बाय फोर। अब हमारे पास वैल्यू है आर ऑफ वाई, आर ऑफ वाई, वायर रेजिस्टेंस ऑफ वायर वाई फाइंड करना है, तो ये आर ऑफ वाई, आर ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स कितना है, सिक्स ओम, तो इधर आ गया सिक्स ओम इज इक्वल टू वन बाय फोर, ये सिक्स ऊपर जाएगा, ये सिक्स ऊपर जाएगा, तो आर ऑफ वाई इक्वल्स टू सिक्स बाय फोर, तो आर ऑफ वाई इक्वल्स टू 1.5 ओम, ठीक है। तो अगर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 6 ओम्स है, उसको आपने डबल कर दिया फोल्डिंग करके, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कितना, 1.5 ओम, कितना हो जाएगा, 1.5 ओम्स, ठीक है।